एक्चुअली काफ़ी मिले हैं, मगर एक मेरे दोस्त आदित्य चोपड़ा, उन्होंने एक मैसेज भेजा, मैं वो बताऊंगा नहीं क्या कहा, मगर बहुत दिल के करीब है और मैसेज भी हमेशा याद रहेगा। और एक कल मेरे मामा जी ने फिल्म देखी और वो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार रहे हैं और तो देखी है दुनिया उन्होंने, और जब उनको पिक्चर इतनी पसंद आई, जो मैसेज उन्होंने भेजा वो भी बहुत करीब रहेगा। जब तक फिल्म आती नहीं है आप कुछ नहीं कह सकते इस बिजनेस में, और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यू नो मेरे पास बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन एक डर भी था क्योंकि इतने सारे नए लड़कों का करियर इस फिल्म पे निर्भर है यू नो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो किसी फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है, अगर कहानी गड़बड़ हो गई जितनी भी मेहनत कर लें वो कुछ नहीं हो सकता। सो उस पर बहुत निर्भर था। रॉक ऑन के बाद अभिषेक ने भी बहुत अपना करियर इस फिल्म पे दांव पे लगाया, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर छोड़े, यूटीवी ने भी बहुत धन लगाया, बहुत अपना एफर्ट लगाया, तो आई एम वेरी रिलीव मोर देन एनीथिंग। एंड जो जितना रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को, इस अगर कोई पहले बोलता कि इतना बिजनेस कोई तीन टीवी एक्टर के साथ फिल्म जो इतने नेशनल इश्यूज को लेके इतना बिजनेस करेगी तो कोई मानता नहीं, लेकिन इसने किया है। एंड आई थिंक न्यू कमर फिल्म के हिसाब से रैंक न्यू कमर्स, क्योंकि स्टार किड्स के लॉन्च नहीं, इट्स द रिकॉर्ड। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैंक न्यू कमर फिल्म विच हैज डन मोर बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि चेतन भगत की किताब है जो कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है, इसकी इतनी कॉपीज बिकी थी कि मतलब ये एक बेस्ट सेलर बन गई थी। उसके ऊपर जब स्क्रिप्ट हमारे पास में आई और जब स्क्रिप्ट हमने देखी तो तब एकदम समझ में आ गया। तो चेतन हालांकि कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बिजनेस करेगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हमको हमेशा से पता था कि जिस तरह की स्क्रिप्ट बन के आई है, जिस तरह की वो नॉवल है, जिस तरह का रियल मिडिल क्लास इंडिया उस स्क्रिप्ट में दिखाया गया है, ये शायद हमेशा एक अच्छा बिजनेस करेगी, और इसने करके दिखाया भी। जिस तरह सब टीवी चैनल्स ने, म्यूजिक चैनल्स ने, जर्नलिस्ट ने जिस तरह सपोर्ट किया इस फिल्म को प्रमोशन करते वक्त, और पिक्चर के बाद जिस तरह आप लोगों ने सराहा है, बिकॉज आप ही लोग बताते हो न्यूज़, आप ही आगे लेके आते हो, मैं जो लोग यहाँ पे हैं और जो नहीं है, और मैं डिप्लोमेटिकली नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बहुत थैंक यू कर रहा हूँ, बिकॉज इस तरह की फिल्म को लोगों तक पहुँचाना का जो जरिया बहुत सही होना था, किसी तरफ की पलड़ा अगर ऊपर नीचे होता तो जो इफेक्ट हुआ है ना वो होता नहीं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll start with thank you to all of you। Actually जब आप फिल्म करते हो, पिछली मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं फिल्म करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कितनी बड़ी हिट होगी और कितना पैसा कमाएगी, मैं सोचता हूँ कि यार ये शॉट जो है ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं और कर सकते हैं हम। तो उसके ऊपर जब बाद में अगर फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो ऑफकोर्स आई थिंक सबको खुशी होती है, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा वापस आता है, नए एक्टर्स को रिकॉग्निशन मिलती है, तो अच्छा है अगर ये बाद में होता है। आई थिंक आई गॉट बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो आई डोंट नो, इट्स अ बिग कंफ्यूजन इन माय माइंड, पर आई रिमेंबर कि ऋतिक रोशन वाज प्रीमियर के बाद तीनों को ही गेव अस अ लॉट ऑफ रियली नाइस कॉम्प्लीमेंट्स, तो सबसे ज़्यादा उनकी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे याद रहे हैं, और उसने ही गिव मी अ हग एंड ही सेड कि रिस्पेक्ट योर टैलेंट, तो वो मुझे याद रहेगा। जानती थी कि फिल्म तो अच्छी बनी थी और हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई थे, लेकिन रियलिटी इन द मूवी बिजनेस इज समटाइम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, एंड आई एम ग्लैड दिस टाइम एक्सपेक्टेशंस हैव मेट रियलिटी, सो वी आर रियली रियली वेरी वेरी। अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे अंकिता ने दिया, वो एक पिक्चर देख रही थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 4 साल से जानती हूँ और 2.5 साल तुम्हारे साथ मैंने पवित्र रिश्ता में काम किया है, लेकिन मैंने एक फ्रेम में भी ना तो सुशांत को देखा ना तो मानव को देखा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इफ यू स्किल इनफ एज एन एक्टर और अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो कोई भी मीडियम आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप अच्छा काम करेंगे चाहे आप थिएटर में हो, चाहे आप टीवी में हो, चाहे फिल्म में हो, बस यही कि अपने सीखते रहना चाहिए और बस थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए।